जय हिंद दोस्तों। इधर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है साइन कोसाइन में जो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं इसमें 15 तक तो ठीक है, सबके पास जो भी किताब है उसमें होगा, लेकिन 16 से जो क्वेश्चन है 16 नंबर 17 नंबर हो सकता है कि आपकी किताब में ना हो, वो क्वेश्चन में नहीं हो, पुराना किताब हो तो हम 15 के बाद जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं एक वीडियो में, और जो सॉल्व कर रहे हैं उसी का थंबनेल बना के हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो बताने से पहले 10 सेकंड ये बोल देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ गया या हमको भेजा गया था। क्वेश्चन जब लिखें तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में भागना नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन 17 नंबर हाँ 16 तक हो गया था चाहे 17 भी हो गया था, 18 की आज बारी होगा। हाँ 18 नंबर की बारी होगा, क्वेश्चन नंबर 18 इसकी बारी होगी। इसमें लिखे हुए कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी और ए कैपिटल ए दिए हुए हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि फिर तो एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन भी लिख देते हैं, इसके लिए चार ऑप्शन हैं, हम चार ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है बी सी डॉट साइन ए, ऑप्शन बी है बी सी कॉस ए, ऑप्शन सी है 1/2 बी सी टू कॉस ए, ऑप्शन डी है 1/2 बी सी डॉट साइन ए। इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो ऐसे तो डायरेक्ट हम टिक लगा दे बोल दे ये होगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी बताने से पहले हम कुछ आपको याद दिला दें। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो तो उसमें बोले थे, नहीं याद है तो हम फिर से दोबारा बोल देते हैं। 1/2 होता है और आधार गुने ऊंचाई और गुने साइन थीटा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, नॉर्मली आप लोग यही जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हाँ, जैसे आप जो जानते हैं या हम जो जानते हैं 9-10 से जो हम जानते हैं, हम आप सब क्या जानते हैं, इस तरह से वो ट्रायंगल बना लो मान लो, और यहाँ पे चाहे तो हम इसको 1 सेकेंड के अंदर टिक लगवा के चले जा सकते हैं, 1 सेकेंड के अंदर बस डायरेक्ट बोलेंगे, कहेंगे ये वाला आंसर हो गया, ये वाला होगा कहाँ नहीं गया, लेकिन समझो थोड़ा सा।
सपोज दैट मान लिया जाए कि ए है, बी है और सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण को आप छोड़ दीजिए, आप इसको आधार मान लीजिए और इसको लंब, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आप क्या लिखते हैं, बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन एग्जैक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं होता, एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई तो होता ही है और गुने साइन, और आधार और ऊंचाई जो बोल रहे हैं लंब, इसके मदद से जो एंगल बना ए है तो साइन ए होता। फिलहाल एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, इस जगह पर ए जो है वो 90 डिग्री है, तो एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान ऐसे भी साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, जब समकोण त्रिभुज रहे तब। इधर बात करते हैं, मान लिया जाए कि किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और इसके सामने वाले भुजा स्मॉल ए हो, इसके सामने वाले भुजा स्मॉल बी और इसके सामने वाले भुजा स्मॉल सी है। अब यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज है ना, ये सब फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, 500 वीडियो बनाए हैं यार, साइन कोसाइन पे 50 क्लास लिए हैं, अगर आप देख रहे हो शुरू से तो आपको मालूम हो कि बताए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो गुने कोई भी भुजा उठा लीजिए दो को, जैसे अगर बाय द वे आप सी उठा रहे हैं और ए उठा रहे हैं तो कह सकते हैं सी ए, तो इसके इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो हो जाएगा साइन बी, यही तो लिखते थे, वहाँ पे ए लिखे क्योंकि लंब और आधार के बीच में ए है, यहाँ ए और सी के बीच में बी एंगल है। या तो ये भी हो सकता है कि एक बटा दो गुने सी ए क्यों लिए सर, आप सी और बी लीजिए ना, ठीक है बी और सी, तो बी और सी लिखेंगे तो उसके बीच का एंगल साइन ए होगा। ये भी तो हो सकता है कि आप बी और ए ले लीजिए सर, एक बटा दो गुने ए भी उठा लीजिए, ए बी, तो ए और बी के बीच में एंगल हो जाएगा साइन सी, तो होने के तो ये भी ये भी ये भी तीनों हो सकता है। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि स्मॉल बी है, स्मॉल सी है और ए है, तो बस इसका इसका और इसका इस्तेमाल करके कौन बना ये वाला, इसमें कैपिटल ए कोण है, बी है, सी है, तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर होगा, ठीक है, इसके हिसाब से ये वाला, और ये हो गया सॉल्व। अच्छा है सर, नारदीगंज वाले के द्वारा एक वीडियो एक क्वेश्चन, चाहे टाइम जितना हुआ हो, इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके लिए फिर मिलते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा बर्डन भी नहीं, 7-8 मिनट का क्लास हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन फिर अगले दिन बता देंगे। हुआ क्या कि दरअसल लग रहा होगा जैसे कि जो क्वेश्चन भेजे थे शुभम या सुधीर जो भी उनका नाम है, ये बताएं कि उन्हें, तो ऐसे भी उनसे बात हुआ, हम बता दिए, एक एक करके हम बता देंगे और आप लोग को बता देंगे। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, एक क्वेश्चन है, मिलते हैं अगले क्लास में। जैसे आपका वो लीनियर इक्वेशन चल रहा है वो चलते रहेगा, और अभी एनसीईआरटी से शुरू होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी चलते रहेगा, और ये कभी कभी 5-10 मिनट के लिए आपको मिलते रहेगा, तो पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।